मोमिनों के जोश पर बंदे रहमान आ गया। हाजिन जी वकार, आज के मेरी तकरीर का मौजू तो आप लोग जान ही गए होंगे और मेरी तरफ से आपको रमजान मुबारक। जनाब प्रिंसिपल साहिब, रमजान का लफ्ज रामीम जात से बना है, इसके मैंने जलने और मिटाने के हैं। इस महीने को रमजान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोमिन के गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। जैसे आप किसी चीज को मिटाकर खाक कर देती है, ये महीना मोमिन के गुनाहों को खत्म कर देता है। जनाबाला, ये महीना तमाम महीनों का सरदार है। जनाबाला, इस महीने के 27वीं तारीख को कुरान पाक आसमान से जमीन पर नाज़िल किया गया। जनाबाला, तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है, कि खुदा ने तुझ पे ही नाज़िल किया कुरान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, माह रमजान बरकतों और मगफिरत की कान है। जनाबाला, इस महीने की अहमियत और फजीलियत का अंदाजा हमें सिर्फ इस बात से भी लगाना काफी है कि हमारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतजार फरमाते हैं। जनाबाला, इस महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। जनाब प्रिंसिपल साहिब, अल्लाह ताला जानता है कि रोजा कुछ घंटों की मुशक्कत है, लेकिन नतीजा बहुत खूबसूरत है। लअल्लकुम तत्तकून, तक्वे का नूर हासिल हो जाएगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगा। दिन में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनों, फिर से रमजान आ रहा है। वस्सलाम। आज के शजरकारी मुहिम की तकरीब में तशरीफ लाने वाले हमारे तमाम मुअज्जिज मेहमानों का बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल हमीद साहब, डायरेक्टर एजुकेशन एकेडमी गिलगित रीजन, और उनके साथ कंजर्वेटर गिलगित रीजन जनाब खादिम हुसैन साहब, सेक्रेटरी टू एजुकेशन मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हामिद साहब, और दिगर आप सबका मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाल कर आज इस बजुम को रौनक बख्शने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। इस बार मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि प्री क्रेडिट पब्लिक स्कूल को ये एजाज हासिल है कि हर साल आलमी इंटरनेशनल प्रिकॉशंस के मुताबिक, एवरग्रीन विजन के मुताबिक, क्लीन एनवायरनमेंट के मुताबिक हम ये शजरकारी मुहिम यहाँ पर इनकार करते हैं और ये मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे तमाम सोसाइटी को कि आप पौधा लगाकर अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने और प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा करें। ये हम सब का फर्ज है, ये हम सबको पौधे लगाने चाहिए। इससे होता ये है कि मैं एज ए बायो टीचर में थोड़ा सा प्लांटेशन की अहमियत को भी मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस के रूप से यदि एक छोटा सा पौधा अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट कोई लगा देता है, तो उस एक पौधे का जो अहमियत मैं आपको बताता चलूं कि उस वो एक पौधा 40 से 50 इंसानों के लिए जो है ना प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नंबर वन इसकी अहमियत ये है। नंबर टू इसकी अहमियत मैं इस तरह बताता चलूं कि एक जो पौधा है लगाने से एक पौधा जो है कहते हैं कि 27.8% के हिसाब से जो है अल्ट्रावायलेट रेसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर ऑक्सीजन और प्योर रेसेस को ह्यूमन तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब यहां तक सोचे, आजकल डिफॉरेस्टेशन का अमल बढ़ चुके हैं, इसकी वजूहत क्या है? हम अक्सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी के अंदर अवर पॉपुलेशन की वजह से, अवर ट्रैफिक की वजह से जहरीली गैसेस हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही। वही से जहरीली गैसेस की वजह है कि हर साल हमारे पास इंफेक्शन डिजीजेस का रेशियो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको ओवरकम करने के लिए
इसको ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल सतह पे जापान के अंदर एक सेमिनार हुई। उस सेमिनार में सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन बताया गया कि उस इस ओजोन से ओजोन लेयर से निकलने वाली गैसेस को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन इंटरनेशनल सतह पे बताया गया। वो ये है कि आप हर साल अपने सोसाइटी में, अपने इलाके में, अपने एरिया में यह मैसेज कन्वे करे कि तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए मधु किया। जैसे कि सही सिलसिला में ऐलान किया, क्योंकि आज हमारा आरएडी एक प्रोग्राम पे था, सुपुर में फंक्शन था, तो वहाँ वहाँ पे टाइम दिया हुआ था, तो चूंकि मेरे से आप नहीं पहुंच सके तो मुझे आना पड़ा। फिलहाल आपसे मिलकर, आपके स्टूडेंट को देखकर बड़ी खुशी हुई। और ये जो दो बैनर लगे हुए हैं, यो में मरहबा ए रमजान, वो सारी शिजिकारी हुई। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में स्टूडेंट्स को, क्लासों में बच्चों को ही बताया करता हूँ कि जहाँ हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं उसके साथ तरबियत की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त, और जबकि इस दौर में मोबाइल इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि टीचर्स इन बच्चों की जहनी नशोनुमा के साथ रूहानी नशोनुमा के लिए काम करें। तो माशाल्लाह योम मरहबा पाकिस्तान रमजान शायद आपने इसीलिए इनका किया होगा। साथ ही शजरकारी मुहिम जो जिसके जरिए इस दुनिया की जमीनों को आबाद किया जाता है, और रमजान के रोजों के जरिए रमजान में हम अपने दिलों की दुनिया को आबाद करते हैं। मुझे प्रोग्राम की तस्वीर का इल्म है कि आप किस सिलसिले में मना रहे हैं, पर जिस सिलसिले में भी हो, बच्चों के लिए इंतकाल का प्रोग्राम बहुत ही जरूरी होता है, ताकि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहें हम उनको सामने लाए। वो गले एक्टिविटीज जो तालीम का बुनियादी हिस्सा है, पहले आप जानते हैं इसको निसाबी और गैर निसाबी कहते थे, इसके बाद आप गैर निसाबी को चेंज करके इसको हम निसाबी कहते हैं। ये जो तकदीर है, नाद पढ़ना है, प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज है, किताबों के अलावा, ये भी निसाब का ही हिस्सा है। और अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो डेवलप किया है, इसमें इसी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और मैं इस गवर्नमेंट की इस कार्य को सराहता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम जो फिफ्थ तक पिछले साल तमाम पाकिस्तान में लागू हो गया था, इस साल एट तक की किताबें भी आ रही हैं। इसका बुनियादी मकसद और बुनियादी तस्वीर यही है कि हम तमाम को सोच एक हो, हम सबका सोचने का अंदाज एक हो, हम सबका नजरिया एक हो, हम सब एक ही लाइन पर चले। और जिस अंदाज में हमारे मोहम्मद मुस्तफा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी। मजीद अपडेट्स के लिए जीबी ट्रू न्यूज एचटी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।